कौन है मेहुल चौकसी, किया है करोड़ों का घोटाला। देश में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटालों में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ के पड़ोसी देश डोमिनिकन से गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री कैस्टन ब्राउन ने उसे सीधे भारत को सौंपने की बात कही है। बता दें कि मेहुल चौकसी पर पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। पीएनबी जालसाजी केस में जो दो बड़े नाम सामने आए हैं उनमें से एक मेहुल चौकसी और दूसरे उनके भांजे नीरव मोदी का है। दोनों मामा भांजे ने मिलकर देश को करोड़ों का चूना लगाया है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक नीरव मोदी और चौकसी के कई शोरूम, वर्कशॉप, ऑफिस और घर पर छापा मारकर लगभग 5100 करोड़ तक के हीरे, गहने और सोना एकत्रित किए हैं। मेहुल हीरो का कारोबार करने वाली कंपनी गीतांजलि जेम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी को मेहुल ने ही खड़ा किया है। मेहुल चौकसी की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल हीरा कारोबारी है जिसे वर्ष 2011 में एशिया पैसिफिक उद्यमिता में अवार्ड भी मिल चुका है। इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों को हीरे जवाहरातों से बने प्रोडक्ट निर्यात करने वाली मेहुल की इस कंपनी के कई ब्रांड्स हैं। गीली नक्षत्र, अस्मी, माया, दिया, संगनी, सारे बड़े ब्रांड्स इसी मेहुल चौकसी के हैं। ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ जैसी बॉलीवुड हस्तियों को आपने इन ब्रांड्स के एड में देखा होगा। 5 मई 1960 को गुजरात के व्यापारी चीनू भाई चौकसी के यहाँ जन्मे मेहुल ने गुजरात के पालनपुर में जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मुंबई चले गए। वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में बीच में ही पढ़ाई छोड़ 1960 में वापस लौटे और पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। फिर 26 साल बाद मेहुल ने गीतांजलि जेम्स के नाम से कंपनी बनाई जो बहुत कम समय में हीरे जवाहरात एक्सपोर्ट करने वाली देश के बड़े कंपनियों में शामिल हो गई। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। बैंक ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने बैंक गारंटी या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का गलत इस्तेमाल किया है। पीएनबी की ओर से किए गए 2 FIR के अलावा ईडी ने भी इनके खिलाफ एक केस किया है। इस बीच ईडी की टीम ने दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में छापामारी की थी लेकिन मेहुल विदेश फरार हो गया था। आपको बता दें कि पीएनबी स्कैम मामले में भगोड़ा घोषित मेहुल चौकसी पहले एंटीगुआ में रुका हुआ था लेकिन हाल ही में उसे डोमिनिका में पकड़ा गया। मेहुल चौकसी के वकील का दावा है कि उसे किडनैप किया गया था जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका में आया था। अभी भले ही पूरा राज न खुला हो लेकिन मेहुल चौकसी के कारण भारत से लेकर कैरिबियाई देशों तक हलचल मची हुई है। मेहुल चौकसी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब एंटीगुआ सरकार उसे भारत को सौंप रही है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।